फादर्स आर आवर बिगेस्ट रोल मॉडल्स. मेरे पापा का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है. फ्रॉम टेकिंग द फर्स्ट स्टेप्स, फिर उसके बाद स्कूल में पहले दिन ड्रॉप करना, कॉलेज से नया नया इंट्रोडक्शन, ड्राइविंग भी मैंने अपने पापा से ही सीखी है. ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आज मुझे फिर से याद आ गई. क्यों? क्योंकि मेरे साथ एक ऐसी स्टूडेंट हैं जो अपने पापा से बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में भी मोटिवेट करने के लिए उनके डैड का बहुत बड़ा रोल रहा है. लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू उर्जिता. हाय उर्जिता, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम. First of all, congratulations for performing so well. How do you feel? आपके parents को कैसा feel हो रहा है? मेरे parents को बहुत ही अच्छा लग रहा है. वो बहुत खुश हैं. उन्होंने ऐसे imagine भी नहीं किया था कि इतना कुछ होगा, इतने ज़्यादा marks मिलेंगे. Wow. And in fact, मैंने जैसे बोला कि आप daddy's little girl हैं. So अपने पापा के बारे में भी कुछ बताओ. And how is your bonding with your father? मैं पापा से बहुत क्लोज हूँ. मेरी ये 2 years के प्रिपरेशन में मैं बहुत मतलब डीमोटिवेट होती थी. टेस्ट के बाद बहुत टेंशन भी लेती थी, पर हमेशा मेरे पापा मेरे साथ रहे और वो हमेशा मेरा टेंशन रिलीज करते थे. एंड आई थिंक आपके पापा भी डॉक्टर हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उन्होंने ही आपको मोटिवेट किया डॉक्टर बनने के लिए, मेडिसिन चूज करने के लिए? नहीं, उनकी मतलब इच्छा तो थी कि मैं IIT में जाऊं, पर मैं उन्होंने किया उनका मानना था कि मैं जो मुझे पसंद है वही करना चाहिए. मेरा तो फिक्स था बचपन से मुझे डॉक्टर ही बनना है. हाउ डिड यू डिसाइड कि आकाश बायजूस से ही कोचिंग लेनी है? क्योंकि आकाश में सारा सिलेबस पहले से ही एक शेड्यूल होता है. मुझे खुद का शेड्यूल एक फॉलो करना नहीं आता, पर आकाश का शेड्यूल हेल्प मी अ लॉट. आकाश बायजूस मतलब मैं टेस्ट के वक्त ही रिविजन करती थी, मेरा कोई और दूसरा रिविजन प्लानर नहीं था. तो आकाश बायजूस हेल्प मी. ओके. कि यू नो एक टीचर ऐसी थी जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया उस टाइम पे जब मैं बहुत डिफिकल्ट फेज में थी, या ऐसा कोई फेवरेट फैकल्टी आपकी? एक्चुअली हमारा सब ऑनलाइन ही हुआ था COVID-19 की वजह से. फिर भी जब 11th में थी मैं, एक वन ऑफ माय टीचर सेड, AITS में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, कि योर पर्सनालिटी इज लाइक यू वुड गो टू एम्स दिल्ली ओनली. तो उन्होंने बोला कि उनका भी एक स्टूडेंट था, प्रीवियस स्टूडेंट, कि उनका भी उन्होंने बोला था उसी स्टूडेंट को कि एम्स दिल्ली जाओगे, वो अभी भी एम्स दिल्ली में. तो वन ऑफ माय टीचर वुड से दैट यू वुड डेफिनेटली गो टू एम्स दिल्ली, यू हैव ऑल दैट क्वालिटीज. सो आई वुड लाइक, ही सपोर्टेड मी लॉट ड्यूरिंग 11th-12th जर्नी. तो उन्होंने आपके अंदर वो क्वालिटी देखी जो शायद अभी भी आप यू नो फिगर आउट कर रहे हो अपने बारे में. सो अच्छी फैकल्टी का बहुत रोल होता है आपकी लाइफ में, राइट? लेकिन फ्रेंड्स और फैमिली का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और स्पेशली रोल होता है ब्रेक्स लेने का. तो यू नो यूजुअली स्टूडेंट्स सोचते हैं कि बस पढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहो. तो आपका स्केड्यूल और टाइम टेबल कैसा है? अपने पूरे उस जर्नी के बारे में बताओ. आप कितने आवर्स पढ़ते हो और कितना ब्रेक ज़रूरी होता है हर एक स्टूडेंट के लिए? जब मैं स्टडी करती थी तब मैं 10-12 hours रोज पढ़ाई करती थी. उसमें ब्रेक्स मतलब मम्मी पापा से बात करना या स्लीप. आई वुड डू नथिंग रेस्ट देन दिस. मतलब सोशल मीडिया पे देखना वो कुछ नहीं करती थी, या टीवी भी नहीं देखती थी, या मम्मी पापा से बात करो या सो जाओ. और मतलब उस वक्त मेरा शेड्यूल था जो भी क्लास में सिखाया है. दो लेक्चर्स होते थे हमारे, एक फिजिक्स बायो का होता था, दूसरे दिन केमिस्ट्री और मतलब बॉटनी या जूलॉजी. तो उसमें जो भी दिन में सिखाया है वो सारा करो. सिर्फ हमें तीन दिन हॉलीडेज होते थे, तो उसमें जो भी रह गया है 3-4 दिन का, मतलब थोड़े फिजिक्स के प्रैक्टिस करना है वो अलग करती थी. और टेस्ट का भी वो जो 3 दिन हॉलीडेज हुआ करते थे उसमें टेस्ट का भी मैं करती थी. पर लास्ट मंथ में इंटेंसिव प्रोग्राम था, तब मैंने मतलब 10 hours स्लीप ही लिया है. रिविजन मेरा मल्टीपल टाइम्स नहीं हुआ था. मैं जब भी पहली बार पढ़ती थी लाइक बायो के अगर 15 pages भी हो NCERT के, तो आई वुड टेक 6 hours फॉर फर्स्ट रीडिंग. पर मल्टीपल रिविजन की कोई ज़रूरत नहीं होती थी मुझे, मतलब 2-3 बार कर लो तो याद रह जाता था. इसलिए लास्ट मंथ में इंटेंसिव के वक्त तो मैंने बहुत कुछ नहीं किया, मल्टीपल टाइम्स रिविजन, स्लीप ही लेती थी, और जो मेरे वीक टॉपिक्स है उन्हीं पर मेरा ध्यान था.
और 11 12th के वक्त मैंने मतलब जब स्टडी था मतलब रिवीजन या लास्ट रिवीजन 6 मंथ का रिवीजन नहीं पहले, तो जब तक मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता था वो मैं लेसन लेती थी कितनी भी देर लगे, 8 hours 6 hours वही लेसन में करती थी। वाह, सो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है पढ़ने की भी, आपने हमें बहुत सारी टिप्स दी। लेकिन अब बात आती है नीट एस्पिरेंट्स के लिए, टिपिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं और कहते हैं ना कि अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, तो आपकी कोई एक ऐसी गलती जो आपको याद है आपने की थी एंड यू वुड वांट कि जो अभी आपको देख रहे हैं वो सेम रिपीट ना हो उनसे? मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक्स लास्ट मंथ में बहुत ज़्यादा हुए और इनफैक्ट नीट में भी हुआ है। जब भी लेंदी पेपर होता था तो कुछ ना कुछ गड़बड़ में करती थी, मतलब मेरा मैथमेटिक्स एक्चुअली बहुत अच्छा था पर फिर भी सिली मिस्टेक तो होते ही रहते और वो रीडिंग मिस्टेक, नॉट नहीं देखना या वो वाले बहुत सारे हुए हैं मिस्टेक्स, वो उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखो। और कैलकुलेशन मतलब जब लेंदी होता था, केमिस्ट्री फिजिक्स में ही होते थे, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स, उसमें थोड़े मैथमेटिकल अगर लेंदी पेपर हो तभी होता था, पर उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखो, नीट में भी हुआ है मेरा वैसे ही मिस्टेक्स, वो मतलब अवॉइड करने चाहिए। उर्जिता, आपके सिबलिंग्स भी हैं राइट? तो सिबलिंग्स के साथ यूजुअली हमारी इक्वेशन ऐसी ही लव और हेट की रहती है, आपकी उनके साथ इक्वेशन कैसी है? मेरी बहुत अच्छी है एक्चुअली, मेरी दीदी ने मुझे बहुत हेल्प किया लास्ट मंथ में, उसका MBBS चल रहा था पर वो ख़त्म हुआ मतलब इंटर्नशिप इन द मे मंथ, तो जून में इंटेंसिव था तो इसलिए उस वक्त उसने बहुत हेल्प की। मेरा मतलब मैं पानी बहुत बहुत ही कम पीती हूँ इसलिए मेरा बहुत ध्यान नहीं जाता पानी पीने के लिए, इसलिए मुझे किडनी में थोड़ा दर्द भी हुआ करता था कभी कभी, तो शी वुड सजेस्ट मतलब हमेशा बताती कि नाउ इट इज़ टाइम फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ऐसे बताती थी, ड्राई फ्रूट्स देती थी, फ्रूट्स भी हम मतलब रेगुलरली, फॉर लास्ट मंथ हमने एक शेड्यूल भी किया था मतलब नीट के लिए, नीट तो 2 बजे पेपर होगा पर बुलाते 11 को, तो 11 को ही लंच करना रोज़ फॉर लास्ट मंथ, और 9 को ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स, ऐसे ये लास्ट मंथ का शेड्यूल मतलब किया था हमने। तो वैसे मेरे बहन ने बहुत हेल्प किया और मेरा छोटा भाई है वो भी बहुत हेल्प करता था, मतलब हमेशा कहता था कि आपको 720 मिलेंगे हमेशा मुझे बताता था, हमेशा मोटिवेट करता था, और जब भी मुझे मतलब स्ट्रेस आता था वो भी मेरा स्ट्रेस रिलीफ करता था, ही ऑल्सो प्लेड अ वेरी ग्रेट रोल। वाओ, नाउ आई एम जेलस ऑफ यू, हाँ इतनी अच्छी सिस्टर भी है और इतना अच्छा भाई भी आपको मिला। लेकिन अगर हम मेडिसिन की बात करें, हैव यू मेड अप योर माइंड कि आपकी एक्सपर्टीज क्या होंगी या अभी आप सोच रहे हो कि मैं बाद में डिसाइड करूँगी? मुझे एक्चुअली बचपन से ही न्यूरोलॉजिस्ट बनना है क्योंकि आई थिंक दैट इतना छोटा ब्रेन इतना ही है पर फ्यू सेकेंड्स में हम कोऑर्डिनेशन करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं, हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इतने कम टाइम में ब्रेन कैसे हमारे सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है, इसलिए मुझे ब्रेन की स्टडी बहुत अच्छे से करनी है और इसीलिए मुझे न्यूरोलॉजिस्ट बनना है। वाओ, उर्जिता जानना चाहती हैं कि छोटा सा ब्रेन इतनी सारी चीज़ें कैसे कर लेता है, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि छोटी सी इतनी प्यारी सी उर्जिता इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कैसे हासिल कर रही हैं। वेल आई नो द आंसर, क्योंकि आकाश बायजूस हेल्प्ड हर कि उन्होंने जिस ड्रीम को सोचा था उसको रियालिटी में कैसे कन्वर्ट करना है। आसान नहीं होगा, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, लेकिन इफ़ यू आर रेडी देन वी आर वेटिंग फॉर यू। कहाँ जाना है? www.akash.ac.in पर।